हाय फ्रेंड्स, मैं नल्ली। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनरसे की रेसिपी। अनरसे की गोलियाँ किस तरीके से बनती हैं वो मैं आपको बताऊँगी। ये पारंपरिक रेसिपी है। ये 30 त्योहारों पर ज़्यादातर बनता है या फिर रेनी सीजन में यह बहुत अच्छा लगता है खाने में। कभी भी आप बनाकर इसको खा सकते हैं। यहाँ पर हमने चावल ले लिया है, जो छोटे वाले चावल होते हैं जिससे खीर बनती है, वो हमने भिगो दिया था। एक कटोरी चावल 3 रात के लिए भिगोया था और बार बार उसके पानी बदलते चले जाते थे। वैसे आप मार्केट में भी आते हैं, पिसे हुए चावल आप ले सकते हैं। इस तरीके से हमने सुखा दिया था पंखे की हवा में, ये सूख गए हैं। तो अब हम इसको मिक्सी जार में पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। बहुत महीन हमें नहीं बनाना है ये। इस तरीके से देखिए, बस तीन से चार बार इस तरीके से आप जार को चलाएंगे तो आपका ये इस तरीके से पिस जाएगा। ये हमारा पिस गया। वैसे मार्केट में भी आपको चावल का आटा मिल जाएगा, उससे भी बनता है, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर मैं पाउडर शुगर बना लिया, शुगर को मिक्सी जार में डालिए, पाउडर बन जाएगा। एक कटोरी आटे में हमने यहाँ पर बड़ी 2 चम्मच शुगर डाला है और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे। इसको हम मिक्सी जार में बनाना बता रहे हैं आपको। वैसे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं मल के। ये देखिए, ऐसे पेस्ट बन जाएगा, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना, 3 से 4 चम्मच बस हमने डाला है। इसको इस तरीके से आपको गाढ़ा बनाना है जिससे गोलियाँ आसानी से बन जाएँ। और बहुत ज़्यादा हमें महीन इसको नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम इसको ढक के रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 15 मिनट तो रख ही दीजिए। तो हमने ये घंटे 1 घंटा पूरा रखा हुआ है। और इसमें से देखिए थोड़ा चीनी का पानी और निकल जाता है, तो इससे और गीलापन हो गया है इसमें। बहुत ही ड्राई टाइप का था, तो इस तरीके से आपको पहले लग रहा होगा कि कैसे बनेगा, तो ये इस तरीके से अब गोलियाँ आराम से बन जाएंगी। इसमें हमने इलायची का पाउडर ऑप्शनल मिलाया। यहाँ पर हमने व्हाइट वाली तिल ले ली है, इसको हल्का सा बिल्कुल रोस्ट कर लिया था। अब थोड़ा सा घी, देसी घी हमने यहाँ पर चढ़ाया हुआ है, आप चाहिए रिफाइंड चढ़ा लीजिए। और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी गोलियाँ लेंगे और बना के एक सेफ साइड में रख लेंगे और तिल पर लपेट लपेट के इसको हम डालते चले जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा गोल आपको नहीं करना है, एक शेप दे देना है बस। आप चाहिए तो पूरी गोलियां बना कर रख लीजिए, फिर तिल में लपेट दीजिए, और चाहिए तो एक एक करके कर लीजिए, आपके ऊपर है। ये बहुत आसानी से बन जाती हैं और बहुत जल्दी बनती हैं। और इसको तुरंत हमें नहीं चलाना है, मीडियम आंच में हमें डालते समय तेज पर डालना है, फिर बिल्कुल स्लो कर देना है, और ये फटाफट सिक जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाल चाहिए तो थोड़ा रुक के करिए, वरना ये एक साइड से तुरंत पलट दीजिए आप इसको। और ये जो तिल थोड़े थोड़े से गिर जाते हैं घी में, तो इसको आप चावल के आटे में डाल सकते हैं। ये देखिए, फटाफट सिक गई है। 3 से 4 मिनट लगता है इनको सेकने में, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाल चाहिए इस तरीके के, तो आप इस तरीके से बनाइए, वरना तुरंत डाल के फटाफट पलट दीजिए। पहली बार अगर आप डालते हैं तो उसमें घी आपको तेज़ गरम करना पड़ेगा, फिर बिल्कुल स्लो कर देना होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल तेज़ आंच पे आप बना देंगे तो अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा चावल। ये देखिए, हमारे जो सिकते जा रहे हैं वो फटाफट पलट देंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे थोड़ी देर में। जो जो सिकते जा रहे हैं, इसको हमने थोड़े से कम लाल करे हैं। ये तो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको पसंद है, उस हिसाब से आप करिए। और बहुत अच्छी स्वीट्स होती है ये, रक्षाबंधन वगैरह में तो बनती ही है। वैसे किसी भी 30 त्यौहार पे आप बना सकते हैं, करवा चौथ पे लोग बनाते हैं, दिवाली पे लोग बनाते हैं, तो आप इस तरीके से बनाइए। ये देखिए, हमने सारे निकाल लिए। इस तरीके से हमारे सब बनकर तैयार हो गए। इसको आप एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं, ये आपके ख़राब नहीं होंगे। और इसका पेस्ट बनाकर भी फ्रिज में डाल सकते हैं, हफ्तों बाद आप दोबारा इसको बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है।
अगर दोस्तों ये पसंद आती है हमारी अनरसे की गोली की रेसिपी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।